हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तीन पत्ती खजाना ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके फ़ोन में ऐप वर्क नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम को फिक्स करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से बाहर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐप पर क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर पर क्लिक करना है। क्लियर पर क्लिक करने के बाद बैक चले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप को परमिशन देने हैं, बैक चले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अपने फ़ोन में जहाँ पे ऐप इंस्टॉल है आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लॉगिन करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।